Good morning, students. So today in this lecture, I am going to explain the method of simulation equation method. Okay. See, when I shared the notes of secondary distribution of overheads, मैंने आपको इसमें ये बताया था कि in this we have two methods. The second one method is apportionment to the service as well as production department, in which we can distribute secondary overhead to the on the production department on the basis of these two methods. The first is descending departmental apportionment, जिसे हम non-reciprocal base कहते हैं. इसका practical हमने yesterday complete किया है. Now the next is interdepartmental apportionment or reciprocal base. So today in this lecture I am going to explain the interdepartmental apportionment or reciprocal base apportionment. So interdepartmental apportionment में secondary distribution करने के लिए हमारे पास में तीन methods होते हैं. First is simulational equation method, second is repeated distribution method, and the third is trial and error method. So today in this lecture I am going to this first method. Okay, so isko hum simulation equation method kehte hain. Okay, see question kis tarike se aaya hai. The following information is available from the departmental distribution summary. ये तीन department production के हैं, ये दो service के हैं. Service departments R and N में A, B, C, R और N को जिस तरीके से services दी हैं और जिस percentage में services दी हैं, वो हमें यहाँ पर given है. ठीक है? Now, simulation equation method का मतलब क्या होगा कि हम mathematical जो हम equation नहीं बनाते हैं x and y assume करके उस तरीके से बनाएंगे. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें service department R के 234 को ABC पे डालना है और service department N के 300 को भी ABC production department पर चार्ज करना है. बट यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि इन दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स ने एक दूसरे को भी सर्विसेज दी हैं, सो दैट इसे हम इंटर डिपार्टमेंटल ओवरहेड अप्रोचमेंट भी कहते हैं. कि यहाँ पर आर और एन जो दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को भी सर्विसेज गिवन कर रखी हैं, तो हमें इनका भी अमाउंट एडजस्ट करना होगा. तो इस तरीके के क्वेश्चन को जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट्स ने एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रखी हैं, उसे हम इंटर डिपार्टमेंटल कहते हैं. अब इस तरीके के क्वेश्चन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का फाइनल अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास में तीन मेथड होते हैं, सिमुलेशन इक्वेशन मेथड, रिपीटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड. आज मैं आपको इसमें सिमुलेशन वाला समझा रही हूँ. ठीक है, अब देखो आप कैसे करेंगे. We assume let total overhead of department R is X. हमने R के total overhead को क्या assume कर लिया, X. And same department N के total overhead को क्या assume कर लिया हमने, Y. ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे बनेगा. अब X is equal to, आपको equation बनानी है. ठीक है ना, तो हमने क्या assume किया है कि जो R service department है इसके टोटल ओवरहेड कितने हैं, एक्स रुपीज हैं. ठीक है, अब आर की टोटल कितनी है आपकी, 234. ओके, तो देखो आप कैसे लिखोगे. आप इसका फर्स्ट स्टेप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 234 प्लस ये 0.2y. कैसे आया ये देखो, आर ने एन को कितनी सर्विस दी है, 20%. ऐसे देखना है. ठीक है, R ने N को कितनी सर्विस दी है, 20%. इसमें 234 प्लस 20% ऑफ Y. फर्स्ट आप ये स्टेप लिखोगे.
ठीक है। सेम ऐसे ही y इज इक्वल टू, y का अमाउंट कितना है, y कौन है, n है, इसका अमाउंट कितना है 300, और इसने r को कितनी सर्विसेज दी है 10%। सो n डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड हमने क्या अज्यूम किए हैं, y। सो y इज इक्वल टू 300 प्लस 10% ऑफ x। पहले आप ये स्टेप लिखोगे जो इस बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब इस ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप आपका ये है, अब इसको शॉर्ट करो तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 234 प्लस 20% ऑफ y, यानी 0.2y। y इज इक्वल टू 300 प्लस 10x मींस 0.1x। शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है। फिर ये क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन वन हो गई, ये हमारी इक्वेशन टू हो गई। अब मैथमेटिक्स में हम जैसे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं ना, वैसे आप सिंपल सॉल्व करोगे। आई होप ये तो सॉल्व करना आपको आता होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आएगा कि एक्स का टोटल ओवरहेड कितना है 300। फिर एक बार एक कोई भी इक्वेशन लेके उसमें एक्स की वैल्यू पुट की तो वाई का टोटल कितना है 330, ये आ गया। फिर हम ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, हमें किस किस के टोटल ओवरहेड चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, तो हम सिर्फ वही कॉलम बनाएंगे, ये पर्टिकुलर्स, ये टोटल, ये ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ए बी सी के क्वेश्चन में आपको जो ओवरहेड एलोकेटेड है वो कितने हैं, ये है 1800 700 1500। तो आपने यहाँ डाल दिया 1800 700 1500 कॉस्ट ऑलरेडी एलोकेटेड। नाउ एड सर्विस डिपार्टमेंट आर के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखो आर के जो भी टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं उसको ए बी सी और एन पर इस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20, 40, 30 and 10। ओके, सो हमारे आर के टोटल एक्सपेंसेस यानी एक्स के कितने आए हैं 300। तो इस 300 में तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का परसेंटेज कितना बनता है, 20 + 40 + 30, 20 + 40 = 60 + 30 = 90%। तो इसने क्या किया, 300 का 90% निकाला और कितना हुआ 270, इस 270 को उस परसेंटेज में ए बी सी पे चार्ज कर दिया। सेम ऐसे ही एन, एन के टोटल 330 आए हैं। क्वेश्चन देखो, एन ने 40%, 20% दिया, 4, 6, 8, 80%। तो n के 330 का 80% कितना हुआ, 264, उसको a b c में ये जो परसेंटेज है 40 20 20 में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल लगा ली, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इस तरह से करना है आपको, ओके। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट इन योर नोटबुक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो जस्ट आस्क मी, ओके। थैंक यू।